गाइस यार आप लोग देख सकते हो यार 85% बंदी लोग जो चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा यार, जितने भी लोग दिख रहे हो सब्सक्राइब कर दो यार। फिर दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस देखो मैंने वीक 1 एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप लोग को देखना है तो जाके देख लेना। अब गाइस देखो बारी आती है चैलेंज सीजन एक्सप्लेन करो कि वीक 2, मुझे ऐसा लगता है वीक 2 एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि लोगों को ज़्यादा डिमांड होती है वीक 2 लाओ वीडियो। तो चलो यहाँ फटाफट सबसे पहले हम लोग रॉयल पास परचेस करते हैं। तो पहले हम लोग परचेस करेंगे 1 to 50 RP वाउचर, तो हमें मिला नहीं है तो हम लोग 360 उसी लगा के परचेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो वीक 2 है इसको हम लोग फ्री में ओपन कर सकते हैं। फ्री में तो ओपन इसलिए होता है कि मैंने रॉयल पास 3 बार लगातार से ज़्यादा ले लिया, ठीक है, इस वजह से मेरा फ्री में ओपन होता है। तो आप लोग का भी अगर 3 बार लगातार रॉयल पास ले लोगे तो आप लोग का भी फ्री में ओपन होगा, तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। तो गाइस सर यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वीक 2 के सबसे पहले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है यूज़ एड्रेनालाइन सिरिंज 6 टाइम इन क्लासिक मोड। तो जो एड्रेनालाइन सिरिंज होती है जो कि सुज्जा होता है, जिसको आप लोग अगर मारते हो तो फुल बूस्ट हो जाते हो, तो आप लोग को उसको यूज़ करना है 6 बार भाई, 6 बार यूज़ करना है। देखो अगर आपको एक गेम में अगर आप अच्छा खेलते हो तो सारी पेटें उड़ते हो ना, आपको 101% लिख के देता हूँ कि 2-3 तो पक्का मिल जानी है, बाकी अगर आपको 6 मिल गए ना भाई किस्मत ही भाई तुम्हारी, और जैसे ही मिले तुरंत यूज़ कर लेना, देखना ही मत कि आपकी हेल्थ कम है फुल है, कुछ भी मत देखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है पिकअप स्मोक ग्रेनेड इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो जो स्मोक ग्रेनेड होता है जो कि हम लोग सिर्फ स्मोक बोलते हैं उसको, तो उसको आपको पिकअप करना है 5 मैचेस के अंदर में। अब गाइस देखो अगर आप स्मोक ग्रेनेड जो है अगर आप एक ही मैच में 5 पिकअप कर लो ना तो सिर्फ एक ही काउंट होगा, तो ये समझ के चलो कि 5 मैच आपको लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, समझे। तो इस तरीके से जब 5 मैच में आप इसको पिकअप कर लोगे तो आपका ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है सर्वाइव फॉर अ टोटल ऑफ 60 मिनट इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे 60 मिनट क्लासिक मोड के अंदर आपको सर्वाइव करने हैं। देखो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मली गेम खेलना है, गेम खेलते खेलते ऑटोमेटिक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला मिशन भी, एंड आपको इससे जो चीज़ें मिल रही हैं वो मिल जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा रिपीटेबल, मतलब ये रिपीट किया जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि ये अभी वीक 1 का चलेगा, वीक 2 का नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वीक 2 ओनली स्पेंड 100 मिनट इन मैचेस। तो गेम के अंदर आप लोग को 100 मिनट स्पेंड करना है, और जैसे आप लोग गेम के अंदर 100 मिनट स्पेंड कर लोगे आप लोग का ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। और तो आपको पता है इसमें कुछ करना है वैसे भी नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पर, जिसमें लिखा फ्रेंड बूस्ट। फ्रेंड बूस्ट क्या होता है मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे कि डुओ या स्क्वाड में कोई बंदा लिया, वो बंदा आपका फ्रेंड होता है और उसने भी रॉयल पास लिया होता है, तो अगर वो बंदा आपके साथ ये वाला मिशन खुद के कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट करता है तो साथ ही साथ आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। मिशन में लिखा हुआ एलिमिनेट 10 एनिमीज विद असोल्ट राइफल इन पोचिंग की एरेंगल इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो AR गन्स होती है, जैसे कि असोल्ट राइफल गन, अब इस असोल्ट राइफल गन में आती कौन कौन सी है, AKM, M416, स्कारल, M16, गोरोसा, और ये सारी गने आती है, बैरल, बाकी सारी गने आती हैं। तो इन गनों में से किसी भी गन से आप लोग को पोचिंग की के अंदर आप लोग को किल करने कितने, 10 किल करने हैं। और जैसे आप लोग 10 किल करोगे AR गन से आप लोग का मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको गन नहीं मिलते, आपके टीममेट को मिलती है तो वो करेगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आप भी करोगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फ्रेंड बोनस। फ्रेंड बोनस क्या होता है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जैसा कि आपने अपना एक कोई फ्रेंड लिया, वो बंदा आपका दोस्त होता है एंड उसने भी रॉयल पास लिया होता है, तो अगर आपके साथ वो बंदा ये वाला मिशन कंप्लीट कर लेता है तो आप लोग का आप भी कंप्लीट कर लेते हो उसके साथ ये वाला मिशन, तो दोनों को 30-30 RP पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। मिशन बहुत इजी होता है जो कि आप फ्रेंड के साथ ही इजीली कंप्लीट कर सकते हो। लिखा है फिनिश 4 एनिमीज विद M24 इन क्लासिक मोड। तो आप लोग अगर आप लोग M24 से आपने 4 किल कर लिया एंड अगर आपने आपका फ्रेंड ने अलग से M24 से 4 किल कर लिया तो दोनों का मिशन कंप्लीट हो जाएगा, दोनों को 30 RP पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देखो M24 से किल करना मुश्किल तो होता है, लेकिन गैस कोई बंदा अगर नॉक है उसको M24 से फिनिश कर दोगे तो वो भी चलेगा, या तो आप लोग अनरैंकड में जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हो ताकि आपके बोट आए और आपको बोट को मारना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, M24 से ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा सारे मिशन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है टीम बूस्ट।
टीम बूस्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने स्क्वाड लगाया, स्क्वाड के जो बंदे वो आपके फ्रेंड होते हैं एंड एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, तो अगर कोई भी बंदा उनमें से ये वाला मिशन कंप्लीट करता है तो तीन और मेंबर स्क्वाड के उनको अलग से कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बंदा करेगा सभी का काउंट होगा। मिशन में लिखा हुआ है विन 3 मैचेस वाई इक्विपिंग स्पॉन्स हेलमेट लेवल 3 विद टीममेट एंड क्लासिक मोड। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा मिशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लेवल 3 की हेलमेट होती है उसको आपको लगाना है और आपके टीममेट आपके साथ हो और आपको चिकन डिनर करना है। देखो यार, अब आप लोग देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नागिन बन के खेलना चाहते हो, कैंपिंग करके खेलना चाहते हो, तो ये मिशन आपके लिए बहुत ईजी है। अब जो बंदे रश खेलना चाहते हैं, एकदम मार तोड़ खोड़ फोड़ के खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होती है, पर उनके लिए भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, टाइम लगेगा लेकिन आपका मिशन ईजिली कम्प्लीट नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मुश्किल से कम्प्लीट हो जाएगा। फिनिश 10 एनिमीज विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। आप लोग को जो हेड मार के आप लोग को 10 बंदों को फिनिश करना है। देखो मुश्किल नहीं है, आप लोग कोई बंदा नॉक देखे तो कोशिश करना कि आप हेड मार के फिनिश करो, ठीक है। नहीं तो ऑटोमेटिक कभी कभी हेड कनेक्टिव हो जाता है तो बंदा ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग का मिशन ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पर, जिसमें लिखा इंटर द शेडो आउटपोस्ट 5 टाइम इन क्लासिक मोड शेडो फोर्स। शेडो आउटपुट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। जो शेडो जब आप लोग जाते हो, जैसे कि रशनाया जाते हो या प्रिजन जाते हो या आप लोग जॉर्जस सिटी जाते हो, ये हो गया शेडो आउटपोस्ट, ठीक है। बस आप लोग को बस इसी जगह पे जाना है, मतलब आप खुद ही जाओगे यार ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं। आप इवेंट में खेलोगे तो आप इवेंट पे जाओगे ही जाओगे, ठीक है। जैसे जाओगे आप लोग का ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। आउटपोस्ट मतलब वही इलाका जहाँ पे आपको रिकॉल मिल जाए उसके अंदर, ठीक है, बस यही चीज़ है। और जैसे 5 बार आप जाओगे आप लोग का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, मैं आपको पूरा करके दिखाता, या आप कहोगे डिमांड रहेगी तो मैं इसको एक अलग से वीडियो बना के करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पर, जिसमें लिखा वीक 2 ओनली लॉग इन इनटू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 3 डेज। देखो गाइस अभी आपको बता दूं कि ये वीक 1 का काउंट होगा, वीक 2 का अगले वीक में काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपली से आपको गेम लॉगिन करना रहेगा, आप ये ऑटोमेटिक काउंट करता रहेगा और जैसे 3 दिन हो जाएंगे आप लोग का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड लास्ट वाले मिशन पे, जिसमें लिखा फिनिश 1 एनिमी विद स्कारल इन क्लासिक मोड। यार आप लोग जब पुचिंकी में जाकर 10 किल करोगे एआर गन से ना, अगर आप कभी स्कारल मिलती है, आपने 1 किल उससे भी कर दिया, तो आपका ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा एंड उसमें भी काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 तीर 2 निशाने। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पर, जिसमें लिखा है फिनिश इन द टॉप 10 लिविंग 1 टाइम इन क्लासिक मोड। यार क्या इजी मिशन है यार, आपको सिर्फ टॉप 10 आना है लिविंग में, वो भी एक बार, यार यूं ही आ जाएगा इंसान चुम्मा देते हुए आ जाएगा, इजी आप लोग कंप्लीट कर लोगे इसको भी। इसके बाद चलते अपने लास्ट मिशन पर, जिसमें लिखा है कंप्लीट 1 मैचेस विद फ्रेंड इन क्लासिक मोड। तो आप लोग को सिर्फ 1 मैच खेलना है, वो भी फ्रेंड के साथ, कोई सा भी मोड, ठीक है। तो क्लासिक मोड गलती से मैंने बोला, सॉरी एनी मोड, ठीक है। तो आप लोग अगर टी डी एम अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो ना, वो भी काउंट हो जाएगा, उस खेलते ही आपका मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दिक्कत मत लेना, वीक 2 के मिशन बहुत ज़्यादा इजी है। और आउटपोस्ट को मैंने बता दिया कि बस वही आपका जो इवेंट होता है, इवेंट में जाना है जहाँ पे आपको रिकॉल मिल जाए, बस उस जगह को बोलते हैं आउटपोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला मिशन सारा कंप्लीट कर सकते हो। बाकी क्लाइंट भी बनी होती है आउटपोस्ट की, तो आप लोग उसके अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो गाइस चलिए यार, यही था इस वीडियो में, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस इसके बाद में जो सीजन मिशन चैलेंज मिशन आते हैं ना, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर बेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दबाया है तो उसको ऑल पे कर लो यार, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।